हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की थ्योरी और इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट वन है ऑन टाइम एंड वर्क, और इसके आगे आने वाले पार्ट आप देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा अच्छे हम प्रॉब्लम उसमें करेंगे। क्योंकि इसमें ये बेसिक लेवल है, हम बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो सीखेंगे कि बेसिक टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे पार्ट आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना भूलिए। ओके, देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन का यूज़ करके ही इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इससे आप समझने की कोशिश करिए कि इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑन टाइम एंड वर्क। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा दूं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहता है कि ए किसी काम को करने में 8 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, कोई वर्क है W, उसको करने में 8 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, और बी उसी काम को करने में 10 आवर्स का टाइम लेता है। ओके, तो हमें ये बताना है कि ए प्लस बी अगर मिलके काम करें तो कितने टाइम में वो वही काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा, आप सबसे पहले ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं वो निकाल लीजिए। ठीक है, सो 1 आवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू W बाय 8 वर्क। ठीक है, 8 घंटे में W करता है तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, W बाय 8 वर्क। ओके, और 1 घंटे में जो बी काम कर रहा है वो हो जाएगा W बाय 10। ठीक है, अब हम ये निकाल सकते हैं कि ए और बी साथ में मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा बराबर W बाय 8 प्लस W बाय 10। ठीक है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 बाय 80 W। ठीक है, जो कि हो जाएगा 9 बाय 40 W। ठीक है, सो 1 आवर में ए और बी मिलके 9 बाय 40 वर्क करते हैं। ठीक है, W का 9 बाय 40 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर W निकालना है। ओके, W वर्क है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 40 को इधर, 40 बाय 9, ये हो जाएगा ए और बी का आवर्स, कि W वर्क जो है वो ए और बी, ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो 40 बाय 9 आवर्स में करेंगे। ठीक है, 1 आवर में 9 बाय 40 वर्क करते हैं। ठीक है, तो 40 बाय 9 आवर में पूरा W वर्क कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हमें आंसर दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 4 बाय 9 आवर्स। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली करके बताया, अब आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में जो एक का वर्क होगा वो होगा 1 बाय 8, 1 आवर में बी का जो वर्क होगा वो होगा 1 बाय 10। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों 1 आवर में जो काम करेंगे वो हो जाएगा 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 10, दैट इज 18 बाय 80, दैट इज 9 बाय 40। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, सो 4 बाय 9 इज आंसर, जिसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बाय 9 आवर्स। ओके, तो ये शॉर्टकट है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम देख लें। सबसे पहले तो ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन द 3/4 ऑफ द टाइम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो बी जो है वो कोई वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और ए जो है उस वर्क का जो आधा काम होगा वो बी के जो बी ने जितने दिन में काम करा है उसके 3/4 इंटू एक्स डेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्क का आधा काम दे रखा है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, ओके, इन 3/4 ऑफ टाइम ऑफ बी। ओके,
सो ए को पूरा वर्क करने में जो टाइम लगेगा, तो हमें इसमें टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ए का पूरा वर्क हो जाएगा 2 × 3/4 × x days, ओके, जो कि 3/2 x days के बराबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये माना है कि बी को जो काम लग रहा है, ठीक है, काम करने में जो समय लग रहा है वो हो गया एक्स डेज का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये दोनों पूरा काम 18 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक डे का टाइम निकालना है दोनों का, ठीक है। सो एक दिन में ये ए एक दिन में 1/x काम करेगा, सॉरी, बी एक दिन में 1/x काम करेगा और ए एक दिन में 2/3x काम करेगा, और ये बराबर होना चाहिए 1/18 के, ठीक है। ये बी का काम और ये ए का काम, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए 1/18 के, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, और एक्स वही टाइम है जहाँ पर बी जो कितने दिन में काम कर रहा है वो वही हमें निकालना है, ओके। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए और निकालेंगे आंसर हमें। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेके मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे भेज दिया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5/3। सो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5/3 × 18, ओके, 3 × 1 और 3 × 6 = 18। सो एक्स की वैल्यू आ गई है 30 डेज के बराबर, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, आप मैनिपुलेशन को समझिए। यहाँ पर मैंने बताया है आपको, ठीक है, कि जो ए जो है वो हाफ वर्क बी का कर पाता है इन 3/4 टाइम ऑफ बी, ठीक है। सो W/T वर्क को वो 3/4 टाइम ऑफ बी में कर पाता है, ओके, और ये हाफ वर्क था तो हमें पूरा वर्क निकालना पड़ेगा, तो पूरा वर्क के लिए हमें दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3/2 x, ये पूरे वर्क का टाइम आ गया जो ए कर पाएगा उसी वर्क W को, ओके। चलिए हम थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। सो ये थर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझें कि ए कोई वर्क को 15 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। ए कोई वर्क W है जिसको करने में उसे 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है, और उसी वर्क को बी को करने में 10 दिन लग रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन में आगे ये गिवन है कि बी जो है उसने 5 दिन काम करा, उसके बाद उसने वो काम को छोड़ दिया। अब हमें ये बताना है कि बाकी बचा वो जो काम होगा वो ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ओके। सो बी एक दिन में 1/10 वर्क करेगा, ओके। सो अगर हम निकालना चाहें कि 5 दिन में वो कितना वर्क करके गया होगा, तो बराबर हो जाएगा 5 × 1/10 के, जो कि बराबर हुआ 1/2, ठीक है। मतलब जो बी है वो 5 दिन में आधा काम करके चला गया है, ठीक है। सो जो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो लिख लीजिए आप, रिमेनिंग वर्क होगा पूरे वर्क में से 1/2 माइनस कर दिया, सो आधा काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब ए पूरे काम को करने में 15 दिन लगाता है, ठीक है, तो ए उसी वर्क के आधे काम को करने में 15/2 डेज लगाएगा, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा 7.5 डेज के, ठीक है। यहाँ पर आधा वक्त बचा हुआ है, ओके। सो थर्ड वाले प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको समझने के लिए यहाँ पर W भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि B एक दिन में W/10 वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर W/2 वर्क बचा, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं W minus W/2, तो 1/2 × W वर्क बचा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर जो हम नंबर्स के फॉर्म में करते हैं वो ज़्यादा इजीली रहता है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो नंबर्स के फॉर्म में हैं वो ही मेथड को करिए, जो जो इसके पहले जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था वैसे ही करिए, ओके। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सो ये फोर्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझे। प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि ए इज़ थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ठीक है, मतलब कि ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि अगर बी को अगर हम
बी कोई वर्क 3 दिन में करता है, ठीक है, तो ए उसी वर्क को एक ही दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। मतलब ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है, तो बी अगर 3 दिन में कोई काम करता है तो ए उसी काम को एक ही दिन में कर देता है, ठीक है। और इसके साथ हमें ये गिवन है कि कोई वर्क होगा डब्ल्यू, ठीक है, जिसके लिए बी ने, सॉरी ए ने बी से 10 दिन पहले उस काम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ए ने बी से पहले 10 दिन पहले उस काम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो हमें ये बताना कि उसी काम को बी को करने में कितने दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब जो ए के काम करने का डेज है और जो बी के काम करने के डेज है उसमें जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है 10 डेज के, ठीक है, ये सेकेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। टेक्स 10 डेज लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी, ठीक है। तो ए उसी काम को 10 दिन पहले ख़त्म कर देता है जो कि बी ने करता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखें जब यहाँ डिफरेंस 2 दिन का रहता है, ठीक है, तब बी वो काम 3 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ हम देखें जब डिफरेंस 2 दिन का रहता है, 3 - 1 2, 2 डेज का डिफरेंस रहेगा, तब बी उस काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। तो अगर 1 दिन का डिफरेंस हुआ तो बी उस काम को 3/2 डेज में करेगा, ठीक है। और अगर 10 डेज का डिफरेंस करा तो बी उस काम को 10 × 3/2 डेज में कर देगा, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो बी उसको 15 डेज में कंप्लीट करेगा। सो बी उसी काम को 15 दिन में कर देगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो इस तरह से आप टाइम एंड वर्क के ये जो बेसिक टाइप के जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना सीखिए, और इसके आगे आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें हम इससे भी जो अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम होंगे टाइम एंड वर्क के वो आपको कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस आप इन वीडियो को वॉच करिए और अपना टाइम सेव करिए, ओके। थैंक यू सो मच। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।